तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कपाट खुल चुके हैं। और दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे दर्शन करने के लिए। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे यहां पर। खास तैयारियां आज प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को देखते हुए उनके पहुंचने को लेकर की गई हैं और कपाट खुल चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट का खास पैनल मौजूद है। मुंबई से हमारे साथ शैलेश त्रिवेदी हैं, पंडित दीपक दुबे धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साध्वी जया भारती हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी कुलदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें पंडित दीपक दुबे आप देख रहे हैं, अभी अभी कपाट खोले गए हैं। 8:50 का वक्त था और बिना डिले के कपाट खुल गए। 8:50 से पहले आज भद्रा थी तो इस कारण 8:50 का मुहूर्त लिया गया होगा और आपके माध्यम से हम लोग भी यहीं से दर्शन कर पा रहे हैं, सौभाग्य हम लोगों का। तो अब मुझे लगता है क्योंकि कपाट खुलते ही सबसे पहले प्रथम आरती और पूजन होता है, उसके बाद महाभिषेक होता है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी महाभिषेक में शामिल हो पाएंगे और वहाँ डिले नहीं किया जाता है क्योंकि धर्मस्थलों पर जितने प्रमुख धर्मस्थल हैं वहाँ का नियम है कि अपना उसका जो समय है निर्धारित उस पर वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो इस कारण दर्शन के लिए कपाट आज खोल दिया गया है अभी। तो यानी कि किसी भी तरह की देरी नहीं की जाएगी। साध्वी जय भारतीय, तस्वीरें हम देख रहे हैं और आपने बताया भी कि आप भी उत्तराखंड से हैं तो आपका भी जाना कई बार हुआ होगा, ये अभी हम क्या देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में? ये जो है ये इसका दो है, एक तो गर्भगृह होता है और एक जो बाहरी एरिया है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो ये बाहर ही है जहाँ पर नंदी तैयारियां की गई हैं। हाँ, ये हमेशा की जाती हैं, जब भी यहाँ वापस आते हैं इसको बाबा जो डाइटी हैं यहाँ के उनके प्रवेश के लिए, तो ये खास तौर पर सजाया जाता है, इसका खास पूजन किया जाता है। और मोदी जी आ रहे हैं तो मैंने सुना है कि खास जो वहाँ का गढ़वाली पकवान है वो उनके लिए तैयार किया गया है। और ख़ासकर मुझे जो ये नज़र आ रहा है कि मोदी जी का इस जगह पर यहाँ पर आज आना, इट इज़ अ बूस्ट टू स्पिरिचुअल टूरिज्म, इट इज़ अ बूस्ट टू यू नो कि जो आध्यात्मिक कहते हैं देवभूमि कहा उत्तराखंड को, तो यहीं पर सभी संत आए, सभी लोग अपना ध्यान और अपनी समाधियों के लिए इस स्थान को उन्होंने चुना। और केदारनाथ की अपनी एक जो ऐतिहासिक जो इसकी पृष्ठभूमि है उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जिनको उनके गुरु श्री गोविंद पाद जी ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान का जो कार्य सौंपा, तो इस कार्य में उन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जिसे हम जोशी मठ कहते हैं वो मठ उन्होंने स्थापित किया और केदारनाथ का जो पूरा जीर्णोद्धार था इसका रिवाइवल इस मंदिर का आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। और यदि हम आदि गुरु शंकराचार्य का संदेश पढ़ें तो उन्होंने यही कहा कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है अपने आप को जानना, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ये केंद्र जो है जैसे ये ज्योतिर्लिंग हैं हमारे संगम हैं, तो ये एक ऐसी जगह बनते हैं, जैसे अब ये जो कपाट खुलना है ये एक पर्व जैसा है, हर वर्ष खुलता है। और देखिए उस पर्व की सीधी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। पंडित दीपक दुबे, केदारनाथ है क्या? क्योंकि जिज्ञासा बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहती है, लोगों के मन में ये भी सवाल होते हैं, अच्छा 6 महीने तो कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, तो वहाँ क्या होता होगा, इतनी बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है, पशुपतिनाथ से उनका रिश्ता क्या है, क्यों उस चीज़ के बारे में बात की जाती है, बैल का स्वरूप है, ये तमाम चीज़ें बहुत सारी बातें मन में है, तो अगर उस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाए, उसे समझा पाए हमें अच्छे से। तो केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। और ऐसी कुछ मान्यता है कथाओं में कि केदार नाम का राजा पहले सतयुग में हुआ करते थे, उनके नाम पर उस स्थान का नाम पड़ा है। हिमालय की केदार श्रृंग है, चोटी है, वो श्रृंखला है, चोटी है, उस पर इनका स्थान माना जाता है। यहाँ स्वयंभू है, शिव को स्वयंभू माना गया है, जहाँ जहाँ स्वयंभू शिव की कल्पना है उन स्थानों को ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं। केदारनाथ भी ज्योतिर्लिंग में है। और पौराणिक कथाओं में देखें तो महाभारत काल में जब पांडवों को जब हत्या का पाप लगा, दोष लगा, तो वो लोग प्रायश्चित के लिए वहाँ तप करने गए और शिव की दर्शन की अभिलाषा थी, लेकिन शिव क्रुद्ध थे, रुष्ट थे, दर्शन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने रूप बदल लिया और बैल का रूप जो है उन्होंने धारण किया। अब उसमें कुछ मान्यताएं हैं कि भीम जो है वो उन पर प्रहार कर दिए, या कुछ लोग कहते हैं कि भीम ने जो है दो श्रृंखलाओं के ऊपर अपने पैर को लगा दिया ताकि बैल निकल ना पाए, बहुत से झुंड में थे बैल, तो ये बहुत बड़े आकार के बैल का इन्होंने रूप ले रखा था। तो वहाँ पर शिव जो है वह नीचे पृथ्वी में चले गए, पृथ्वी में जाने पर
बैल की पूरी आकृति जो है वह पृथ्वी में नहीं जा पाई, जो ऊपर का जो हिस्सा जो होता है पीठ के ऊपर उठा हुआ हिस्सा, मान्यता है कि वही हिस्सा जो है वहाँ शिवलिंग के रूप में है। त्रिभुजाकार शिव है वहाँ पर, काफ़ी बड़ी आकृति है भगवान शिव की, और उन्हीं की पूजा जो है वहाँ पर की जाती है। बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन केदार का जो मुख्य पृष्ठ है जहाँ पर कि फिर उसके बाद फिर तपस्या की पांडवों ने, और वहाँ केदारनाथ के यहाँ मंदिर में पांडवों की भी मूर्ति है द्रौपदी के साथ साथ, तो ये तो निश्चित ही है कि इन जो है वह पांडवों ने वहाँ तपस्या की है, और उस काल में भी यह मंदिर था। पहली बार मंदिर का जो आकार है वह पौराणिक कथाओं के हिसाब से जनमेजय ने इसे बनाया था। दर्शन भगवान शिव की उत्पत्ति तो वहाँ हो चुकी थी, वहाँ उन्होंने अपना स्थान ले लिया था, लेकिन जो मंदिर है वह जनमेजय ने बनाया। हम इसे आगे जारी रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आ रही हैं, सीधी तस्वीरें MI-17 चॉपर के जरिए केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसी की सीधी तस्वीरें, यानी कि अब से कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे वो वहाँ पर। और आपने जैसा कहा कि पूजा अर्चना का जो तय समय है उसी के हिसाब से होगा, और फिर उसके बाद रुद्राभिषेक जब होगा उसमें शामिल होंगे। ये चॉपर के जरिए पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, और पहुंच जाएंगे जैसा कि मेरे सहयोगी कुलदीप बता रहे थे कि 45 मिनट का लगभग वक्त लगता है, और ये कपाट खुले हैं केदारनाथ धाम के, ये उसकी तस्वीरें हैं। पंडित दीपक दुबे, भीमशिला का भी बड़ा जिक्र होता है, और खास तौर से 2013 की त्रासदी जब आई थी उस वक्त भीमशिला का बड़ा जिक्र हुआ, उसकी महत्ता के बारे में बताइए। उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने ही उसको स्थापित किया था, रखा था, और वहाँ तपस्या की थी। और अगर देखा जाए तो जब उसी से ये जब पानी का बहाव बहुत तेज आया 2013 में, तो शिला जो है उसी शिला ने अगर देखा जाए तो रोका है, क्योंकि एक बड़ी शिला वहाँ पर आई थी और पानी की जो धार थी वह दो हिस्सों में बंट गई थी, सीधे मंदिर पर जा करके नहीं टकराई है, अन्यथा बहुत हानि होने की संभावना और थी। बाकी तो बहुत त्रासदी हुई ही, लेकिन जो मंदिर का जो मुख्य हिस्सा था और जो ज्योतिर्लिंग है वो बिल्कुल ही जो है वह उनको हानि नहीं पहुंची और वो बची। तो इस कारण इसकी अगर देखा जाए तो पुनः एक बार वो चमत्कार से किसी कम नहीं था, अगर उसको कहा जाए दैवीय चमत्कार, तो उतनी बड़ी आपदा में उस तरह से मंदिर का बचना, गर्भगृह का बचना और ज्योतिर्लिंग का बचना। हम देख रहे हैं कपाट खुले हुए हैं अभी तस्वीरों में, इसके पीछे है भीमशिला। हाँ, पीछे का हिस्सा है, ठीक पीछे। वो एक उसका जो लोकेशन है वो आर्कियोलॉजिकली बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, कि उसको इस तरीके से उसके पीछे एक ट्रायंगुलर शेप में है कि जब पानी का बहाव आया तो वो ऐसे कट गया, तो जो फोर्स था वो पूरा डिवाइड होके विभाजित होकर के मंदिर के साइड से निकल गया। तो आर्कियोलॉजिकली भी मंदिर की जो बनावट है, और ये एक एंशियंट आर्किटेक्चर है, जो मैंने पहले भी बताया कि ये काफ़ी समय एक लिटिल आइस एज में जो हिमालय में रही उसमें ये मंदिर दबा रहा, और बोल्डर्स थे जबकि ग्लेशियर्स मूव हुए उसके बाद भी वहाँ पर यह ठीक ठाक रहा। और जो भीमशिला है इसके पीछे, वो काफ़ी जो पीछे से चाहे पानी है या ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट है उससे इस मंदिर की रक्षा, यानी कि ये जगह जो है वो एकदम एज इट इज़ एक स्थिर रही, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं मिला ग्लेशियर्स के मूव होने के बाद। ये चॉपर की तस्वीरें, मी हेलीकॉप्टर चॉपर इसके ज़रिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अब से कुछ ही देर में बस लैंड ही कर जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आगे की जो विशेष पूजा अर्चना है वो होगी। हमारे साथ मुंबई से धर्मगुरु शैलेश तिवारी जी भी हैं मौजूद, वो भी लगातार चर्चा में शामिल हैं। शैलेश तिवारी, अभी हम जैसे बात कर रहे थे यहाँ पर कि 6 महीने कपाट खुले रहते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, तो इन 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं तो उस दौरान क्या होता है? पूजा तो होती ही होगी, या बिल्कुल पूजा उस दौरान नहीं होती है? वहाँ कौन मौजूद रहता है, कोई नहीं रहता है, क्या होता है? पूर्णिमा जी, मैं आपको बता दूं, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों का आपस में बहुत ही परस्पर संबंध है। जो केदारनाथ है यहाँ पर, बद्रीनाथ मंदिर के पास दो बहुत बड़े महर्षि हुआ करते थे, जो भगवान विष्णु के रूप में थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे नर और नारायण। उन दोनों ने तपस्या करके भगवान केदारनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां आवाहन करके बुलाया था भगवान शिव को, और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। 6 महीना जो देखिए, अक्षय तृतीया को जो है मंदिर का पट खुलता है, और मंदिर का पट दिवाली के 2 दिन बाद यानी यम द्वितीया को पट जो है बंद होता है, और 6 महीना जो भगवान शिव का विग्रह है वह
ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो है वहाँ से उखी बट लेकर के आया जाता है और उखी बट में उनकी 6 महीने तक पूजा की जाती है और 6 महीना जो वहाँ पूरा बर्फ से ढका रहता है वहाँ पर एक दीपक हमेशा जलता रहता है और यह भगवान शिव की विशेष महिमा और विशेष कृपा है कि सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि 6 महीने तक वो दीपक निर्वाध रूप से मंदिर के अंदर जलते रहता है और बर्फ से पूरी तरह से चारों तरफ से जो है मंदिर घिरा रहता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर दीपक जलते रहता है और एक पुजारी जो है वह कंटिन्यूअस पूजा वहाँ करते रहते हैं। और जो 6 महीना जो है ठंड के समय जब विग्रह आता है, जब आपको दिवाली के 2 दिन बाद जो है जमदेतिया के समय जब कपाट बंद होता है तो वहाँ से नीचे ओखी वट में भगवान शिव का जो है विग्रह ले बहुत मान सम्मान के साथ लेकर आया जाता है और वहाँ पर 6 महीने तक रेगुलर पूजा की जाती है।